जिला सोलन के अर्की में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय सायर मेले को लेकर अर्की में उपमंडला अधिकारी सभागार में एसडीएम विकास शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा, प्रदेश भाजपा सचिव रतन सिंह पाल और नगर पंचायत अध्यक्ष वीना ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 3 सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाहर से कलाकारों सहित स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। जिला स्तरीय सायर मेले को लेकर अर्की में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय सायर उत्सव को बेहतर मनाने को लेकर सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। इस दौरान एसडीएम विकास शुक्ला विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 3 सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाहर के कलाकारों सहित स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाएगा। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान सांस्कृतिक दलों और हिमाचल की पौराणिक संस्कृति करियाला को करवाने का भी प्रयास किया जाएगा। एसडीएम विकास शुक्ला ने कहा कि झोटों की लड़ाई को दोबारा करवाने को लेकर अर्की तहसील के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों से प्रस्ताव लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा। वहीं मेले के दौरान दिन के समय खेलकूद प्रतियोगिता व स्कूली बच्चों के कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाएंगे। एसडीएम ने कहा कि मेले के दौरान 2 दिन तक भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की। निर्णय किया गया कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमें क्योंकि ये मेला झोटों की लड़ाई के लिए पहले पूर्व में मशहूर था, जिसे कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, तो लोगों ने निर्णय लिया कि नंबर एक तो सभी पंचायतें जाकर हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुग्रह करेंगे कि इसकी जो लोक पारंपरिक व्यवस्था थी उसे दूसरा मूर्त रूप दिया जाए। साथ ही साथ झूठों की लड़ाई के एज ए सब्स्टिट्यूट में कि जो हमारी लोक परंपराएं हैं, फोक डांसेस हैं, कल्चरल सॉन्ग्स हैं, करियाला हो गया, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही साथ छिंज इत्यादि जो चलता है उसे अच्छा राष्ट्रीय स्तर पे किया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोग इसमें भंडारा वगैरह की सेवा भी करते हैं, उसको भी और पुख्ता किया जाएगा। और साथ में हम कोशिश करेंगे कि इसका व्यापारिक स्वरूप बढ़े, उसके लिए जगहों को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लगा सकें। सिटी चैनल के लिए अर्की से राकेश कुमार की रिपोर्ट।